चार पांच लड़के ऐसे आए जो हमारे बीच में झगड़ा पट्टी कर, उसके बाद में फिर वो चले गए अपने घर को। घर से 15-20 लड़के और लेकर लकड़ियों से मारपीट तो वारदात पूरी करके सामान लकड़ियों से हमारे मारने लगे और हमारी जो हमने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी वे तोड़ कर। शासन पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, क्योंकि वो सरे आम गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। आए दिन महीने के अंदर 3-4 वारदात कर जाते हैं रोड के ऊपर। बताओ बच्चों को स्कूल भेजे नहीं, कॉलेज नहीं भेजे, क्या बात है? वो घर के अंदर रखे, स्कूल में जाएंगे तो उनके घर गल जाएंगे, मोटरसाइकिल लगाए बस के पीछे कहीं कहीं अड्डे पे खड़े हो रहे, कहीं कहीं पे खड़े हो रहे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। तो बच्चों को पढ़ाई के अंदर पैर रखा था, हाथ जो उनको लगा खींच खाच के पार गए, बच्चे छुटा रहे थे कहीं तो यहाँ लठ मारा कर ताला तोड़ गई। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमित अमन। आज हम हरजीपुर गांव में पहुंचे हैं जहां पे कि एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। खोल खंड का ये गांव है और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। जो यहां इस घर के लोग हैं इनके साथ कल रात में जो घटना हुई है उस घटना को कवर करने के लिए हम यहां आए हैं। और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यहां पे एक डकैती की घटना कुछ असामाजिक तत्व जो लोग हैं उनके द्वारा की गई है। और हम जो उनके परिवारजन हैं उनसे इस घटना के बारे में जानेंगे और कैसे क्या ये घटना हुई उस बारे में यहाँ पे जाना जाएगा। सर आप बताइए पहले तो आप कौन हैं ये बताइए पहले। मेरा नाम मूलचंद है जी। गांव आप घर के मालिक हैं? हाँ सर जी। सर क्या घटना हुई कल शाम के टाइम? बनवारा कट रहा था जी उस टाइम 9:30 का आसपास। उसके बाद में 4-5 लड़के ऐसे आए जो हमारे बीच में झगड़ा पट्टी कर, उसके बाद में फिर वो चले गए अपने घर को। घर से 15-20 लड़के और लेके आए जी। तो उसके बाद में सभी हमारे बहन मम्मी जी इनको काफ़ी चोटें आई है जी का लड़का जी। और घर के अंदर जो भी सामान था वो तोड़ फोड़ गए जी और उसमें काफ़ी सामान भी ले गए। क्या ये पुरानी कोई रंजिश का मामला है या आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार हुआ है ऐसा। सर वो पुरानी गैंग है ये, हमारे गांव में पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं। कुंडल गांव है जी। सर आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे, अब बताइए आप क्या कहते। सर ये 9:30 की वारदात है। बिल्कुल वे नचने लग गए। ठीक है हमारे बच्चों ने कही बोले भाई अपने घर ने जाओ, मारा बनवारा में बकवास करने की जरूरत नहीं है। सर उनने फिर डीजे ऊपर चढ़ गया गाड़ी के, उनने फिर थप्पड़ सटीके करी, वो बात सुलटा दी जी। वो चले गए 3 बंदे थे वहाँ से लेके आया हम बच्चों को, मैं फटाफट चलो। इतनी देर में 10 बंदा पिकअप भर के, पिकअप थोड़ी 1/2 किलोमीटर दूर खड़ी करके सीधा बंदा घर के अंदर डड़ा भाटा और लकड़ियों से मारपीट तो वारदात पूरी करके सामान ले गए। शादी वाला के पास क्या होंगे, सफाई होगी ना घर में, कोई लकड़ी डिंगड़ी नहीं मिलेगी ना जी। ये बात है। और कोई पुलिस ने अब तो कोई कार्रवाई पुलिस बैठा नहीं रही, बाएं दाएं डोल रही है जी। यही इन्हीं लोगों ने एक दिन कुंडल पहले 28 तारीख को इधर आइए आप एक बार जी, अब बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये यही लफड़ा एक 28 तारीख को हुआ था, कुंडल को नहीं किया हुआ था, उसने भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी आज तक जी। ये बंदा रहा, ये रहा है, इधर आइए जी, बताइए कैसे क्या घटना। 28 को मैं जा रहा था यहीं से, मेरी बाइक का आगे कट लगाया, मैंने बोला आराम से चल, गाड़ी गलौज करने लग गया, फिर गाँव से बंदे बुला के मारा पिट्टी की मेरे साथ। और फिर हमने रिपोर्ट दर्ज कराई तो अभी तक उस पर 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है जी। तो आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ भी यहाँ पे मारपीट हुई है। आप देख सकते हैं माताजी हमारे साथ हैं और इनके हाथ पे लकड़ी से मारा गया है, वो आप देख सकते हैं कि हाथ के ऊपर लगी हुई है। और भी हमारे साथ मौजूद है एक महिला, इनको आप देख सकते हैं जी। आपके साथ क्या हुआ आप बताइए। लकड़ियों से हमारे मारने लगे और हमारी जो हमने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी वे तोड़ कर ले गए और फिर हम भागे तो इतनी देर में निकल के चले गए। और हमारी माँ के बहन के सबके साथ ऐसा ही हुआ है, सबके लड़की मेरी गंभीर हालत है अभी अस्पताल में।
और भी जानने की कोशिश करेंगे और घर का जो माहौल है वो हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुर्सी वगैरह यहाँ पे टूटी हुई हैं, गिरी हुई हैं यहाँ टूट के, और जो यहाँ पे उन्होंने वारदात करने की कोशिश की थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे वारदात हुई थी। लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो भी यहाँ गिरे हुए हैं, जिनसे यहाँ पे हमला किया गया था, वारदात को अंजाम दिया गया था, वो यहाँ पड़े हुए हैं। और अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं, अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे पत्थर वगैरह यहाँ पे गिरे हैं, टूटे हुए पत्थर के जो टुकड़े हैं वो यहाँ गिरे हुए हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ईंट के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे गिरे हैं। और आगे जी आगे आप देख सकते हैं कि घर के अंदर की जो हालत है वो आपके सामने, कि जहाँ तहाँ जगह जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लकड़ी के टुकड़े हैं, बैंत वगैरह जो बोली जाती है, उसका जो टुकड़ा गिरा है यहाँ पे, और टूटी हुई सारी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। और अंदर की तरफ भी जो यहाँ पे चोरी, जो डकैती की भी बात की जा रही है कि यहाँ पे डकैती को भी अंजाम दिया गया है। जहाँ कल घर में यहाँ पे शादी का माहौल था और उस समय यहाँ जो डकैती को अंजाम दिया गया है, ये जहाँ तहाँ आप देख सकते हैं कि कपड़े भी यहाँ बिखरे हुए हैं, जो उस वारदात के दौरान बिखरे गए थे वो कपड़े अभी तक। और यहाँ इनकी शादी के अंदर जो बक्से वगैरह हैं वो भी खोले गए हैं, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वारदात को अंजाम दिया गया है इन घर वालों के साथ में, इनकी चेन स्नैचिंग वगैरह भी यहाँ पे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे चेन स्नैचिंग वगैरह तक की गई है, ताले को यहाँ पे तोड़ा गया है, वो ताला आपके सामने है। और घर के जो सदस्य हैं, जो महिलाएँ हैं, उनके साथ यहाँ मारपीट हुई है। और पूरा घर, आप जो पूरे घर की हालत है वो आपके सामने है। यहाँ पे जहाँ तहाँ जो ईंट के टुकड़े हैं छोटे खोरे वो पड़े हुए हैं यहाँ पे, और जिनसे कि यहाँ पे वारदात को अंजाम दिया गया। बाकी भी सारी आप यहाँ की जो स्थल है, इसकी जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि ये बैंत जो है ये यहाँ गिरी हुई है, जो टूटी हुई हमने आपको उधर दिखाई थी, ये यहाँ भी गिरी हुई है। और ये वो बैंत है। बाकी जो घर के और लोग हैं, किसी और के साथ भी वारदात कल रात में हुई है, वो एक बार सामने आए जरा, कल रात में और भी किसी के साथ वारदात हुई है जी, इनको भी पैर पे चोट आई है और इनको भी यहाँ पे मारा गया है पैर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे एक खुलेआम वारदात को अंजाम दिया गया है। सभी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे भी खून के छींटे यहाँ लगे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ खून के छींटे हैं जो वारदात को अंजाम देते समय यहाँ पे आए हैं। और पूरे घर के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त किया गया है। यहाँ जब रात को उस वारदात को अंजाम दिया गया तो उस घटना के बारे में और भी हम जानने की घर वालों से कोशिश करेंगे, लेकिन जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वारदात हुई है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल एक शादी का माहौल था और उसके बाद में जब यहाँ पे जो वारदात हुई है, और भी घर वाले यहाँ मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई और आप लोगों में से बोल सके आके इस घटना के बारे में बता सके तो आप आगे। जी सर बताइए। ऐसा है, ये हमारा प्रशासन पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, क्योंकि वो सरे आम गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। आए दिन महीने के अंदर 3-4 वारदात कर जाते हैं। रोड के ऊपर से निकलना, उनका शरारते करना, चलते हुए औरतों को छेड़ना, मतलब ये गांव के कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो कुंडल गांव के, ये इनके ऊपर प्रशासन क्यों नहीं नकेल कस रहा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ का, कि इनको किस चीज़ का भय है कि ये प्रशासन को भी अलग कर रहे हैं, कि प्रशासन इनसे नहीं डर रहा। तो आप लोगों के साथ या गांव में और किसी के साथ भी पहले वारदात हो चुकी है? जी बताइए। आप बताओ, बच्चों को स्कूल भेजे नहीं, कॉलेज नहीं भेजे, क्या बात है, उनको घर के अंदर रखे, स्कूल में जाएंगे तो उनके गैल गैल जाएंगे, मोटरसाइकिल लगाए बस के पीछे, कहीं कहीं अड्डे पे खड़े हो रहे, कहीं कहीं पे खड़े हो रहे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, तो बच्चों को पढ़ाए को ना, हम अंदर थोड़ी रखा जाएगा। लड़कियों के साथ गलत बर्ताव करना, मतलब गंदी जुबान बोलना, ऐसी ऐसी बात करते, ये बहुत हो रहेगा, सरेआम होता है ये। सरपंच उनका कुछ लगातार ऐसी घटनाएं होती रही, लगातार हो रही है, सरपंच उनका कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी। जी बताओ आप, ये कैसे हो चलेगा? तो आपके गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने कहीं शिकायत की हो या प्रशासन की तरफ से कोई मदद मांगी हो? हमारा सरपंच तो जी अब एक्सपायर हो गया जी, जी उसको 2 महीने हो गए, तो फिलहाल 3 महीने के लिए एक महिला है कि वो बना रखी है जी। सरपंच तो हमारा बाहर का या गाँव का नहीं है, सरपंच कुछ नहीं कर सके जी। और दूसरे जिस गाँव का आपने अभी जिक्र किया है, जो आपके पास का ही गाँव है आई थिंक,
उस गांव के सरपंच को आपने कभी कहा कि आपके गांव से कुछ असामाजिक तत्व यहां पे आते हैं? और काफी बार हो चुके हैं, ये काफी बार बता चुके हैं इस चीज का, उनको भी पता है। और शाम को भी, रात को भी उसको फोन किया है, लेकिन वो सरपंच अभी तक नहीं आया। उसको रात को भी उसको फोन किया कि आपके गांव के बच्चे ऐसे ऐसे शरारत करके गए, यहां पे डकैती करके गए, लेकिन वो अभी तक कोई नहीं आया। आसपास के सब एफआईआर वगैरह दर्ज हो चुकी है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी। तो बाकी आगे की जो कार्रवाई है वो अभी तक नहीं हो पाई है पुलिस की तरफ से, लेकिन पूरे घर की जो यहाँ पे हालत है वो हमारे सामने है। और घटना को जिस तरीके से यहाँ अंजाम दिया गया है, जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं उनके साथ भी यहाँ पे बर्ताव, जो दुर्व्यवहार है वो किया गया है, महिलाओं के साथ यहाँ पे मारपीट भी हुई है। और पूरा जिस तरीके से वो महिला बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ में लकड़ियों से मारपीट हुई है, और पूरे घर में इस तरीके से जो डकैती का जो तरीका होता है उस तरीके से वो लोग घर में घुसे जी, और फिर उसके बाद में उन्होंने मारपीट की। मारपीट आप लोगों से कितने लोगों से यहाँ पे मारपीट हुई है? 8-10, 10-15 थे, लेकिन कुछ बाहर थे और कुछ अंदर थे। ज्यादातर महिलाएं थी? महिलाएं थी, अंदर हम महिलाएं थी जी। हम वहाँ खड़े थे बाहर ऐसे गेट के ऊपर, वो ऐसे भागते आए, जब हम अंदर घुस गए इधर आए तो ऐसे अंदर भी आके मारने पीटे ऐसे करने लगे, सिर पे मारी चोटी लगी, हाथ कहीं भी मतलब लकड़ी लगी वहीं मारी, मतलब गड़ा उला में वो सब हाथ जी। बताइए क्या कहने, बताइए। जो मतलब गले के अंदर पैर रखा था हाथ, जो उनको लगा खींच खाच के पार गए, बच्चे छुटा रहे थे, कहीं तू यहाँ लठ मारा कर दी, कहीं मारा मार दरवाजे के पास ही खड़े रहे थे, दरवाजा भी तो। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, आपकी चेन वगैरह स्नैचिंग हुई, उसके बाद भी कोई और सामान भी लूटने की कोशिश उन लोगों ने की? तो सर लेकिन हमने फिर धक्के मार के इतना बढ़िया था, बक्सा बक्सा ताला तोड़ गई, हमने धक्के मार के लेके भी गए। आपने बाद में सामान चेक किया? पैसा उसा रखा था ना, उसमें से कुछ आधा पादा ले भी गए, फिर आके पकड़ा तो छोड़ भी गया कुछ और ले भी गया, कुछ हमारे चैन छीन ले गए, और हमारे लिए हमारे साथ बदसलूकी भी की उसने, बदतमीजी करनी। वैसे मतलब ये लड़की उड़की खड़ी थी उनके साथ, वो गलत स्वभाव करने के वो करे था जी, गलत हरकतें की, चौक खुल के बोल दो क्या शर्म आती हो जी। तो बताओ सर, आप यहाँ आ गए एक बार? हाँ जी सर। आप घटना के समय पे कहाँ थे और आपको घटना के बारे में क्या क्या चीजें बाद में? घटना के समय पर मैं हाजिर नहीं था सर जी, लेकिन घटना के बाद हमें महिलाओं से और इनसे इंक्वायरी करी, पूछपरछ करी, तो वो लोग ये जो रियलिटी यहाँ से कहानी हुई, एक परिवार में दूसरी शादी थी, सभी समझदार लोग बारात में गए हुए थे, और उस दिन ये बनवारा था, लड़के की शादी थी, तो बनवारे के अंदर आदमी थे नहीं, छोटे बच्चे थे, महिलाएं। घटना कल रात की है? हाँ कल रात की है जी। औरतें अपने खुशी के माहौल में फंक्शन में नाच कूद रही थी, अपने मौज मस्ती में थी, आनंद मंगलम मना रही थी। एक बाइक के ऊपर तीन लड़के आए और रोड के ऊपर जब बनवारा चल रहा था, औरतों के बीच में आकर के उन्होंने डांस शुरू किया, और डांस करते करते कुछ हद बाहर बातें हरकतें करने लगे। फिर कुछ बुजुर्ग औरतों ने उसका विरोध किया कि भैया डीजे बंद कर दो, डीजे बंद कर दिया, वो चले गए। वो अपने आपको अपमानित समझा कि कैसे समझा, क्योंकि बच्चों ने कभी उनको धक्का उक्का किया। फिर उन्होंने जा करके आगे से अपने दूसरे सहयोगी मित्रों को लेकर के आए, और कुछ लगभग समझो 400-450 गज दूर अपने वाहनों को छोड़ करके, और जो लाठी डंडा जो भी उनके हाथ में जो अपने सामग्री लेके आए थे मार झूड़ करने के लिए, वो सीधे अंदर आकर के घर में औरतें थी, और उनके ऊपर सीधा हमला बोल दिया। कुछ बहन बेटियों के साथ गलत हरकतें भी की, जो औरतें गांव की बोल नहीं सकती, खुल के कह नहीं सकती, और कुछ औरतों को पिलमा झटकी करके जो वो भी किया है। और जबकि अंदर लेडीजों का जो शादी के माहौल में एक ही कमरा ऐसा होता है जहाँ कुछ चीज़ें अपनी रखी जाती है, वहाँ तक भी अंदर उन्होंने हाथ मारा ताला लग रहा था उसको, और ताला लगा हुआ, ताला को तोड़ कर अंदर घुस गए, और जो उन्होंने न करना था, जो मीडिया के सामने में बोलते शर्माते बहन बेटियों के सामने, उन्होंने कोई चीज़ बाकी नहीं रखी, दैट्स ऑल। तो आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही एक घटना घटी प्रियंका रेड्डी के साथ, और आज यहाँ आप देख सकते हैं कि उसी तरीके की जो महिलाओं के साथ जो बदतमीजी है वो लगातार हो रही है, और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन को इन पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों को बंद करना चाहिए, और ऐसे लोगों को समाज से
दुत्कारना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज से बाहर करना चाहिए या इन लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे आने वाले समय में आगे उस बारे में ये सोच भी ना पाएं। जब तक इन लोगों के साथ में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, सख्ती से पेश नहीं आया जाएगा, तब तक ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। स्टेट न्यूज़ हरियाणा भी यही आग्रह करता है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए सख्ती से सरकार को पेश आना चाहिए और प्रशासन को जो कड़े कदम हैं वो उठाने चाहिए। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई घटनाएं सामने आती हैं तो आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें जाके कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो आगे और भी लोग इसको देख पाएंगे और वो लोग हमें भी बता पाएंगे कि उनके साथ कैसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। मैं अपने सहयोगी राकेश यादव के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।